हाय गाइज, वेलकम बैक टू सैंडीज एंड अदर्स ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज मैं अपना डेली रूटीन डाल रही हूँ कि मैं रोज़ क्या खाती हूँ। एक्चुअली मेरा भी ना बहुत ही ज़्यादा डाइट बहुत ख़राब हो गया है, मतलब आफ्टर डिलीवरी प्रेगनेंसी में मैं बहुत अच्छा खाना पीना खाती थी क्योंकि मैं ऐसे ही टाइम निकाल लेती थी अपने लिए, और अभी मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। आदू का ही मतलब जो खाना पीना है वो मेरा ज़्यादा वो रहता है कि मैं उसको अच्छे से खिला दूँ, फिर मैं तो खाती ही रहूँगी, ऐसा हर मदर करती है। ऑफकोर्स ये बातें जो न्यू होती हैं और वो लोग ऐसा सोचती रहती है कि चलो ठीक है यार, बच्चा खा ले फिर अपन अपने लिए देख लेंगे, मगर यार ये बहुत गलत बात है। हम लोगों को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए और उनके लिए तो है ही सही। तो या मैंने अपना थोड़ा थोड़ा सा रूटीन डाला है, मैं आप लोगों को रोज़ डेली कुछ ना कुछ डाल करके दिखाऊंगी कि मैं क्या खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना फेस पे थोड़े से पिगमेंट हो गए हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चले जाएं, क्योंकि जब आदू हुई थी तब थोड़ा सा था और उसके बाद अभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम मुझे अपना रूटीन थोड़ा सा सही करना चाहिए। मैं पानी भी बहुत कम पीती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चैलेंज एक ले लेती हूँ 30 डेज़ का, जिसमें मैं बहुत अच्छे से मतलब जो भी मेरा खाना पीना है वो मैं अच्छे से रखूँगी ताकि ये मेरा पिगमेंट चला जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट मैं अपने सारे रूटीन्स इसमें डाल रही हूँ और आप लोग देखना, और मैं अगर मुझे इम्प्रूवमेंट होता है तो मैं आप लोगों को वो इम्प्रूवमेंट भी बताऊँगी कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी पीने से मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। सो लेट्स सी। आदू जब तक सोती है तो थोड़ा सा हो जाता है, और अभी क्या वो थोड़ी सी क्रॉल और बेड से नीचे उतरने लग गई है, तो मुझे बहुत डर लगता है कि यार अगर मैं उसको इधर उधर छोड़ के इधर उधर कुछ काम करने लगी तो वो गिर जाएगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने उसको देखा है कि वो बेड के एकदम पास में ऐसे बैठ के झाँक रही है कि मम्मा कहाँ चली गई। सो या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसको देखती रहती हूँ, आती जाती रहती हूँ और ब्लॉगिंग भी करती रहती हूँ। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई नो दैट, एंड बहुत फील हूँ। मैं आपको शाम तक का पूरा मतलब रात तक का पूरा रूटीन दिखाऊंगी। रात में आके तो मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि मैं कुछ ऐसी कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा खा लूँ पी लूँ, मगर ठीक है, जो मैं कभी कभी मैं आदू के लिए खिचड़ी बनाती हूँ मैं वही खा लेती हूँ। और मैंने ना ऐसा देखा है कि मतलब अगर आप डाइट नहीं भी कर रहे हो तो आप अगर क्वांटिटी पे ध्यान रखोगे, मतलब आप खाना जैसे अगर आपका बड़ा बाउल होता है या प्लेट भर के खाना खाते हो, तो आप अगर कटोरी में खाना चालू करोगे या बाउल में खाना चालू करोगे तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा, और मेरा वेट अभी काफ़ी लूज़ हुआ है पहले से। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी डाइट और जो मैं खा रही हूँ मैं वो थोड़ा सा अपना आपके साथ भी शेयर करूँ, तो बहुत सारी जो न्यू मदर है उनके साथ में उनको भी हेल्प होगी। मैं क्या करती हूँ ना, पहले सुबह उठते से ही पानी पी लेती हूँ बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद मैं फ्रूट्स खाती हूँ, पहले नाश्ता करती हूँ फिर फ्रूट्स खाती हूँ, और चाय तो मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि चाय मेरी फेवरेट है। अगर मतलब डाइटिशियन भी बोलता है तो भी मैं चाय पी ही लेती हूँ। फिर उसके बाद जो भी है फ्रूट्स खा लेती हूँ, और अभी मैं सैलेड खा रही हूँ, फिर सैलेड के बाद में मैं खाना खा लूँगी, और फिर उसके बाद जो मेरा नाइट जो शाम का टाइम होता है उसमें थोड़ा सा स्नैक्स और फिर से चाय। तो चाय अगर मैं छोड़ दूँ तो मुझे लगता है मेरी सारी बीमारियाँ दूर हो जाएगी, बट मैं चाय नहीं छोड़ पाती हूँ। और फिर मेरा जो डिनर रहता है वो डिनर रहता ही रहता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना सा। सो या लेट्स सी, मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं ये पानी का पूरा बॉटल पी जाती हूँ, और दो बॉटल ऐसे पीती हूँ, कोशिश ऐसी करती हूँ, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए तो इतना पानी नहीं पी पाते, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि दो बॉटल पीऊँ, एक तो मैं पीती ही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में है ये पराठा, मूंग का पराठा और चाय। चाय तो मेरी फेवरेट है। तो हम तीनों अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, टाइम मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम लोग रात को सोते ही बहुत लेट हैं, क्या कर सकते हैं बच्चे के साथ में, अगर बच्चा जब सोएगा तब भी सोएंगे ना। और ये हमारा जो बच्चा है, गौर से देखिए इस बच्चे को,
तीन बजे से पहले इसको सोना नहीं आता है। और ये वाटरमेलन मैं थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद खाती हूँ। फिर 1.5 घंटे के बाद मैं ये खाती हूँ सैलेड। ये खाना खाने से पहले मैं सैलेड खाती हूँ, क्योंकि सैलेड खाना मतलब बहुत ही अच्छा होता है, फिलिंग होता है। अगर खाना कम खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सैलेड अच्छे से खा लो। आदू क्या कर रहे हो आप, किससे बातें कर रहे हो? बना रही हूँ आदू के लिए खाना। आदू इतना खाना खाएगी नहीं, अगर हाँ ठीक है, मुझे उसके लिए बनाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और ये है मेरा लंच, तूरी की सब्जी, चावल, थोड़ा सा आलू का छोड़ा हुआ दलिया और ये सैलेड। ये मुझे खाना पड़ेगा, मॉम थिंग, यू नो दैट। सो ये है मेरा लंच, जो कि है तूरी की सब्जी, राइस, आलू का छोड़ा हुआ थोड़ा सा दलिया और सैलेड। मैं आलू के लिए थोड़ी सी राइम चला देती हूँ इवनिंग में, तो ये देख लेती है और उसको बहुत अच्छा लगता है राइम्स देखना। मतलब मैं ज़्यादा तो टीवी इसको नहीं चला करके देती हूँ, थोड़ी बहुत चला के दे देती हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। और मैं रात को खा रही थी यहाँ पर दाल पनीर, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इनटेक अगर आप करते हो तो, और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है। अगर आप वॉक वॉक कर लोगे तो नॉर्मली डाइजेस्ट हो जाएगा। ये है मेरा इवनिंग का खाना। सो आदू के पापा आए थे थोड़ा सा लेट अपन बाहर से, तो उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा बाहर चले गए थे कॉफ़ी पीने के लिए। और आदू के लिए उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ भी ऑर्डर कर दी थी। वैसे भी आदू इतनी फ्रेंच फ्राइज़ खाएगी नहीं, बट हाँ उन्होंने सोचा था कि मैं भी खा लूँगा और थोड़ी सी आदू भी खा लेगी। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं खाऊँगी, तो प्लीज़ हाँ ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।